लास्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, ये किसी भी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकता है। कैसे निकालता है ये देखो, दो स्टेज प्रोसेस है। सबसे पहले वो कहते हैं जी पोटेंशियोमीटर लो, नीचे एक बैटरी लो जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर लो। अब इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और एक स्विच है जो ओपन है, मैंने बंद नहीं किया, और अगर मैंने बंद नहीं किया तो ऑब्वियसली इसमें कोई करंट जाने वाला है ही नहीं। तो यानी कि इन शॉर्ट मैंने सिर्फ क्या लगाई, बैटरी ई बस। तो बैटरी ई लगाई क्योंकि नीचे ये करंट तो बाहर क्योंकि निकल नहीं पाएगा क्योंकि नीचे का सर्किट क्लोज ही नहीं है, तो दिखाऊं ना दिखाऊं फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ई, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या है L1, तो ये क्या बन जाएगा ई, पोटेंशियल डिफरेंस है ई। तो क्या मैं ये ऐसा बोल सकता हूं कि ई प्रोपोर्शनल टू L1? तो पहले केस में पोटेंशियोमीटर ने ईएमएफ का कोई करंट निकाला ही नहीं बाहर, तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा L1। कोई डाउट इसमें? केस नंबर टू में जब आपने स्विच को क्लोज किया तो इस बैटरी ने करंट बाहर निकालना शुरू किया, तो बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ई आएगा ही नहीं, ई से कम आएगा। कितना आएगा? वी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जब बैटरी ने करंट बाहर निकाल दिया तो ई तो आएगा नहीं, ई की जगह तो वी आएगा। तो अब जब बैलेंस करोगे इसे तो वी आएगा, वी नीचे अगर वी आएगा तो ऊपर भी वी आ जाएगा। तो बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी? L2 चेंज हो जाएगी। बताओ L2 बड़ा होगा कि छोटा L1 से? छोटा क्यों होगा? क्योंकि V छोटा है, क्योंकि पहले सिर्फ अकेला E था और V तो छोटा ही होता है। तो जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैलेंसिंग लेंथ उतनी बड़ी होगी। अगर E है तो L1, V है तो L2, तो E है तो L1, V है तो L2, इन्हें डिवाइड करेंगे तो रेशियो आ गई। हमने एक फॉर्मूला किया था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, उस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर दो। आंसर नोट करो फॉर्मूला रजिस्टर में, फॉर्मूला रजिस्टर में इसे नोट करो। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का ये तरीका है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का ये तरीका जिसमें L1 पहली बैलेंसिंग लेंथ है जब अकेली बैटरी कनेक्टेड है, और L2 दूसरी बैलेंसिंग लेंथ है जब बैटरी जो है उसका स्विच ऑन हो चुका है। तो ये आपने याद रखना है।